ये बदबू। अदिति, अक्सर कूड़े को देखकर हम लोग इसी तरह रिएक्ट करते हैं ना। जोतना ये कूड़ा है तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे ना। पर क्या तुम जानती हो, ये कूड़ा, ये कचरा जिसे देखकर हम लोग इस तरह बिहेव करते हैं, आखिर ये कूड़ा कचरा हमारे घरों से ही निकला है। और आपको एक बात बता दूं, इस कूड़े कचरे का पूरा पूरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यानी कि ये जो कूड़ा है ये इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बिल्कुल। कैसे? ये कूड़ा कचरा बड़े काम की चीज है। अगर हम इस कूड़े कचरे का निपटारा अपने घरों में ही कर दें तो हमारा घर भी साफ और साथ ही साथ देश भी। यानी कि तुम कहना चाहती हो कि अगर हम इस कूड़े कचरे का सही तरीके से निपटारा कर दें तो हमारे घर साफ रहेंगे, देश साफ रहेगा और हमारे जो घर में छोटे से गार्डन हैं उनको भी हम लाभ पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। आज के छत पर बागवानी के इस एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे किस तरह अपने ही घर के कूड़े कचरे से आप अपने टेरेस गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं। ये जो सारा कूड़ा या वेस्ट आप देख रहे हैं, इस कूड़े को देखने का और इसके साथ व्यवहार करने के सिर्फ एक नज़रिए के बदलाव से ये सारी चीज़ें कैसे संसाधन में परिवर्तित हो सकती है और कैसे वो हर इंसान, जैसे मैं अपने घर से कर रही हूँ, वैसे आप में से हर कोई अपने घर से इनको संसाधन में कैसे परिवर्तित कर सकता है। अब अगर इसमें आप देखेंगे, एक घर से, किसी भी एक परिवार से रोज़ जो चीज़ें निकलती हैं वो इस तरह की दिखती हैं। दूध की थैलियाँ हैं, हमारे रसोई से निकला हुआ कूड़ा है, रोज़ हमारे घर में आने वाले अखबार हैं, हम जो अलग अलग चीज़ें हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स करते हैं, कुछ हमारे घर की सफाई के लिए करते हैं, वो है। और जो आम तौर पर एक शहरी नागरिक अपने घर में चीज़ें लेकर आता है, उसका पैकेजिंग मटेरियल है। ये हो सकता है मेरे काम का नहीं है, मगर ये मेरे बाग के काम का है, मेरे आसपास के पर्यावरण का बहुत काम का है। ये चीज़ें जिस इंडस्ट्री में ये चीज़ें बनती है, उन्हीं इंडस्ट्री के इनपुट के तौर पे ये फिर से बहुत काम की है। ये सारी 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 चीज़ें, इसके ऊपर हम खुद, हमारी सोसाइटी, हमारी इंडस्ट्री और हमारा पर्यावरण काम कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें बेकार ना हो। अगर आप रोज़ देखेंगे जो अपने घर से हर 24 घंटे में जो कूड़े के तौर पे बाहर जाती हैं चीज़ें, उनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपकी ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें कम होती है, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ की रोज़ नहीं फेंकी जाती। और अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ें मेरे दिल के सबसे करीब हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरी बागवानी के लिए, मेरे बाग के लिए, मेरे पर्यावरण के लिए सोने के तौर पे काम आती है। अगर हम सुबह से अपनी दिनचर्या को लेकर सोचें तो हम मुख्यतः दो तरह की वेस्ट जनरेट करते हैं, एक सॉलिड माने जो घन पदार्थ हैं और एक लिक्विड माने जो तरल पदार्थ हैं। लिक्विड में जनरली हमारे घरों से वेस्ट होता है वो पानी। वेस्ट पानी को दो कैटेगरीज में हम विभाजित कर सकते हैं, एक सिर्फ सीवर का पानी और एक बाकी सारा पानी। तो जो सीवर का पानी है उसे कहते हैं ब्लैक वाटर, और बाकी जो सारा पानी कहते हैं वो जो निकलता है उसे कहते हैं ग्रे वाटर। आप ग्रे वाटर बस एक छोटी सी अपनी हरकत के साथ में और हॉर्टिकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है। मेरा वॉशिंग मशीन का पानी, बर्तन धुला हुआ पानी और किचन में जो हम पानी यूज़ करते हैं, ये तीनों पानी मेरे इस पूरे ग्रीन पैच में यूज़ होता है। और इसका गर्मी के दिनों में जब वाटर शॉर्टेज हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, मुझे इसका बहुत सहारा होता है। कुदरत ने बहुत सुंदर तरीके से कुछ वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट्स प्रोड्यूस किए हुए हैं, उनमें से कैना ये एक वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट है।
मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो वॉशिंग मशीन का पानी मेरा आता है ऊपर से, उस पानी को मैंने यहाँ पर डाला है, और जहाँ वो वॉशिंग मशीन का पानी का पाइप का आउटलेट है वहाँ पर मैंने कैना लगा दिया है। ये कैना उस वॉशिंग मशीन के पानी को प्यूरीफाई करता है कुछ हद तक, और उसके बाद में वो पानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे इस पैच में पूरी तरह से वो पानी यहाँ पर फैल जाता है। कैना, केला, ये हरदम घर का जहाँ वेस्ट वाटर जाता है वहाँ पे लगे होते हैं, और वहाँ पर वो खूब फलते फूलते हैं। तो ये कुदरत के नायाब अरेंजमेंट का एक और तरीका है। उसी को यूज़ करके मैंने यहाँ पर मेरे जो किचन में से, जो जहाँ पर हम सब्जी धोते हैं, आटा दाल चावल वगैरह का काम करते हैं, वो जो ग्रे वाटर आता है उसको ड्रेन में ना डालते हुए वो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, और उसमें मैंने केला लगाया हुआ है। ये करीब 4.5-5 साल हो गए हैं इस केले को, और वो इसी पानी में खूब फलता फूलता रहता है। तो ये भी ग्रे वाटर मैनेजमेंट का एक तरीका है। तो कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए और बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूल, किस इलाके पर है तूफान का साया, और कैसे करें खेती? मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 और 10:30 डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। तो आइए इस जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सॉलिड वेस्ट जो होती है, घन पदार्थ जो होते हैं, उनका भी यही है। हम चाहे हमारे खाद्य पदार्थ ले लें, या चाहे ये सारा प्लास्टिक या पेपर ले लें, बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनके हमारे उपयोगिता के लिए हमारे जीवन में आती हैं, और उसके बाद में ये कहाँ जाती है? ये जाती है हमारे कूड़े वाले के पास, और कूड़ा वाला उसको कहाँ लेकर जाता है? लैंडफिल में। और हमारे शहरों में कई लैंडफिल्स पड़े हुए हैं जहाँ पर ये सारी गंध हमारे आसपास में ज़मीन पे पड़ी हुई है, हमारे सड़कों के किनारे पड़ी हुई है, लैंडफिल्स पे पड़ी हुई है, हमारे सोसाइटी के बाहर पड़ी हुई है, यहाँ तक कि हमारे रहते हुए घरों के आसपास जो खाली प्लॉट्स है वहाँ पर भी ये पड़ी हुई है। इसे कहते हैं वेस्ट। हम जैसे रहने वाले राही वासियों की एक जो आदत कई पिछले सालों से पड़ी हुई है, वो एक आदत काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे पर्यावरण का नुकसान कर रही है। आपको पता है वो एक आदत क्या है? वो एक आदत है कूड़े की बैग का उपयोग। अब ये आदत तो स्वच्छता के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो ये कूड़े की बैग या जिसको ब्लैक पॉलीथीन या आजकल वो ग्रीन हो गया है, ग्रीन पॉलीथीन का शोध हुआ था, क्योंकि हमारे घर स्वच्छ रहे, हमारे पर्यावरण स्वच्छ रहे। बिल्कुल सही है,
उसके आगे एक छोटी सी चीज़ हम करते हैं। हम क्या करते हैं, मेरे घर से निकला हुआ ये कूड़ा मैं इसी में डालती हूँ, ये कूड़ा मैं इसी में डालती हूँ, ये कूड़ा मैं इसी में डालती हूँ, ये मैं इसी में डालती हूँ और ये भी मैं इसी में डालती हूँ। जब सुबह कूड़े वाला मेरे घर पर आता है तो मैं उसको यूं एक कूड़े की थैली में उसको थमा देती हूँ। हमारी इस एक पॉलीथीन ने पूरे फूड साइकिल को बीच में तोड़ दिया है। हमारा अनाज हमारे पास आता है, हम खाते हैं, वेस्ट इस तौर पे जाता है और वो मिक्स होकर मिट्टी में जाने के बजाय वो लैंडफिल में जाता है, सड़ता है। ये हो गया पॉलीथीन का एक रोल। दूसरा पॉलीथीन का, इस आदत का हमारे दूसरा रोल देखिएगा। ये जब लैंडफिल में जाता है, बहुत सारे इनमें से चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे संसाधन हैं, ये चीज़ जाती है पेपर इंडस्ट्री को, ये चीज़ जाती है फिर से गत्ता जहाँ बनता है उस इंडस्ट्री को, ये जो चीज़ है ये फिर से प्लास्टिक इंडस्ट्री को जाती है और बच जाती है ये चीज़। 24 घंटे के अंदर कुदरत उसके ऊपर काम करके और उसको रिड्यूस करके एक तिहाई बना देता है और इसका 15 से 30 दिन के अंदर इसका पूरा डिसइंटीग्रेशन होके, डिकम्पोजिशन होके ये मिट्टी में मिल सकता है। और ये चीज़ है जिसको 500 साल लगते हैं। अब मैं इन दोनों को इकट्ठे मैं ज़मीन पर फेंक रही हूँ, क्या होगा? कुदरत न इसे यूज़ कर पाती है, न हमारे जीते जी जो हमारा लाइफ स्पैन है उसके ऊपर इसका कुछ नहीं कर पाती। क्या होता है, ये नमी, गर्मी, बारिश, इससे ये तो बेचारा धीरे 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 डिग्रेड होने लगता है। इसका जो पानी छूटता है वो इसके साथ रह जाता है, नीचे की ज़मीन प्यासी की प्यासी रह जाती है, नीचे की ज़मीन के जो कीटाणु जीवाणु जो इसको इसके ऊपर काम करते वो कुछ नहीं कर पाते और यहाँ से बहुत सारे विषारी गैसेस निकल के और हवा में जाती है। क्या किया हमने, एक छोटी सी हमारी आदत जो हम डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, जैविक और अजैविक चीज़ों को हमने जो इस तरह से बांधने की आदत डाल दी, उसकी वजह से हमारे आसपास बड़े बड़े लैंडफिल्स इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए कृपा करके ये जो पतले पॉलीथीन हैं इसकी आदत अपनी ज़िंदगी में से पूरी तरह से हटा दें। अगर हम अपनी ये आदत बदल दें, अगर हम उसको मिक्स ही ना करें, तो क्या हम छोटी सी मदद इस वेस्ट मैनेजमेंट के पूरे चैन को बदलाव लाने में कर सकते हैं? कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पॉलीथिन की आदत को मुझे छोड़ने के लिए मुझे अपने घर में ये ऐसी 4 बिन्स रखनी है। आप साइज़ अपने मुताबिक रख सकते हैं, आपका परिवार जितना भी वेस्ट इन कैटेगरीज में जनरेट करता है उसके मुताबिक रख सकते हैं। और
ये जो तीन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, रिजेक्ट और रिसाइक्लेबल, ये जनरली सारे सूखे होते हैं, ना इनमें से बदबू आती है, ना इनमें कुछ पानी छूटता है, ना इसमें कोई गंध होती है। ये तो हमें भी पता है, इसको हम बहुत आसानी से उठा के फेंकते हैं। इसलिए ये जो तीन चीज़ हैं, आप अपने कन्वीनियंस से घर के किसी भी कोने में, या सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपको फेंकने की आदत हो चीज़ें, उस कोने में आप इसको अपने कन्वीनियंस से रख सकते हैं। ये जो बायोडिग्रेडेबल बिन होगी आपकी, जिसमें आपका कॉम्पोस्ट बनेगा, ये बिन आप घर के बाहर यानी बालकनी में या पीछे के आपके आंगन में, जहाँ पर डायरेक्ट सूर्य प्रकाश सनलाइट नहीं आ रहा होगा और ऊपर से शेड होगी और इसको हवा लगती होगी, ऐसे किसी भी जगह पर आप इसको रख सकते हैं। सबसे पहले जो बहुत कम हमारे घर में निकलता है, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, रिजेक्ट या हजार्डस। इसमें कौन सी कैटेगरी की वेस्ट आती है? ये जनरली आती है मेडिकल वेस्ट, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हैं आपकी, या आपके सैनिटरी नैपकिन्स हैं, आपके बच्चों के डायपर्स हैं, ये सारे आप रिजेक्ट में डाल दोगे। ये जो रिजेक्ट या हजार्डस वेस्ट हैं, ये आपके कूड़े वाले को जाएगी। उसके बाद में आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इसमें हम क्या डालेंगे? टूटी हुई वायर्स हैं, फ्यूज्ड बल्ब्स हैं और यूज्ड बैटरीज हैं, तो वो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। रीयूज और रिसाइक्लेबल में क्या जाएगा? हर चीज़। प्लास्टिक हो गया, ये रिसाइकल हो जाता है। आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स के टिन्स हो गए, आपकी शीशे की बोतलें हैं, ये इसमें चली जाती हैं, आपकी ये प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये इसमें चली जाती हैं, और ये सारे रिसाइकलिंग वाला आपका जो बिन है, ये सारा महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, जब भी आपका भर जाता है, तब ये रिसाइकलिंग वाला आप पूरा बिन उनको दे देंगे। अब हमारा एक सबसे बड़ा जो वेस्ट का कंपोनेंट जो हमारे घर से बाहर जाता है, वो है ऑर्गेनिक। और आप देखेंगे कि ये जो गीला कूड़ा होता है, जो हमारे किचन से निकला हुआ कूड़ा होता है, इसका प्रमाण रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे घर से सबसे ज़्यादा निकलता है। और यही तो हमारे लिए, हमारे बागवानी के लिए, हमारे पौधों और एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा संसाधन, सबसे बड़ा रिसोर्स ये है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है जैविक कूड़ा जो है, हम इसको पूरी तरह से अलग करेंगे। अब इसमें क्या क्या है जैविक कूड़े में? चाय की पत्ती है, सब्जी के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, प्याज लहसुन है, और उसके बाद में आप बचा हुआ अगर आपका खाना है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें क्या नहीं डालना है? एक है किसी भी तरह का फैट, माने आपका चीज़ हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, तेल हो गया, ये आप इसमें नहीं डालेंगे। और अगर मीट या हड्डी डालेंगे तो आप उसको धो कर डालेंगे। हमारे गीले कूड़े से या किचन वेस्ट से हम अपने बाग के लिए, अपने ग्रीनरी के लिए, अपने आसपास के पेड़ पौधों के लिए इसमें से कितना अच्छा सोना निकाल सकते हैं। आपको भी ये सवाल हो रहा होगा, आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि ये सब मैं क्यों करूं? तो आप ये देखेंगे कि ये कूड़ा कौन निकालता है, रोज़ ये कूड़ा कौन जनरेट करता है? ये कूड़ा मैं जनरेट करती हूँ, मैं हम नहीं कहूँगी, क्योंकि हर परिवार, हर घर ये कूड़ा जनरेट करता है। जैसे कि मैंने कहा, हमारी गलती कहाँ होती है? हम सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं और वहाँ से हमारे गलतियों का सफ़र शुरू हो जाता है। इसलिए अगर ये कूड़ा मैं जनरेट करती हूँ, तो चाहे कुदरत की जितनी इच्छा हो कूड़े निवारण की, चाहे सरकार की जितनी इच्छा हो कूड़ा निवारण की, चाहे आपके नगर निगम की या आपके पंचायत की जितनी इच्छा और इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी तैयारी हो कूड़े निवारण की, वो कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं उनको इस तरह से अलग अलग कूड़ा मेरे घर से नहीं देती हूँ। इसलिए वेस्ट अलग अलग करें, मिक्स ना करें,
और सेग्रीगेटेड वेस्ट आप किसी को दे, ये हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर अपने अपना शेयर, कुकू शेयर अगर करेगा तो मुझे लगता है इतनी सारी बूंदों का सागर बनकर इस वेस्ट की आग को हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से हम इस आग को मिटा सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने जाना टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में, और अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए ये जानने के लिए आपको देखना होगा छत पर बागवानी का नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए छत पर बागवानी की हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।